हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं जो कि 2024 के अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। ये विषय नागरिक शास्त्र का है स्टूडेंट, क्लास 12 का, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक 100 नंबर का है और समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। एक बच्चे ने ये पेपर को दिया है, ठीक है। पेपर किस तरह से आया है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपके इस बार 2025 के बोर्ड पेपर में पूछे जाए, ठीक है। स्टूडेंट, मैं पूरा पेपर का सोल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए सामान्य निर्देश दिया हुआ है, इसी के हिसाब से आपको पूरा पेपर को क्या सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देना है यहां पर बाकायदा दिया हुआ है, तो इस निर्देश को आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर, ठीक है, ध्यान से देख कर पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये निर्देश आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आएगा। जो बच्चे इग्नोर करते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, आप सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी बार अपने मॉडल पेपर की वीडियोज में बताया है, ठीक है। तो चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर ही बढ़ते हैं। ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 10 प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, यानी कॉपी में आपको एक विकल्प चुनकर जो सही विकल्प होगा वही लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, ठीक है। ये हमें बताना है कि 1991 में जो सोवियत संघ का, यानी 15 जो, ठीक है, जो देश थे, यानी 15 जो राज्य थे, गणराज्य थे, वो टूट कर बिखर कैसे गए, इनका विघटन कैसे हुआ, ये बताना है। तो ठीक है, तो ये 4 विकल्प दिए हुए यहाँ पर देख सकते हैं कि सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएँ लोगों की आकांक्षाओं को पूरी ना कर सकी, ये भी भैया सही है, ठीक है। 12 नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। और 7 नंबर है कि बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, ठीक है भैया, बहुत से देश थे। तो इनमें से यानी दा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बच्चे ने सही विकल्प लगाया है, ठीक है, उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1992 को हुई थी, तो इनमें से आपका सा वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो कि 2, यहाँ पर देखिए 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर देख सकते हैं, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट वीजा की जा सकती है। तो सभी को बता होगा, मैंने काफ़ी बार पेपर में बताया है, यानी स्टूडेंट में ये जो पेपर हूँ मैं 100%, ठीक है, 100% में गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, ये जो पेपर में बताए गए सभी प्रश्न, ये पेपर का सभी प्रश्न का मैंने पूरा सोल्यूशन अपने चैनल पर कराया हुआ है। जो मैं मॉडल पेपर लेकर आता था वो सभी में, यानी वो मॉडल पेपर में आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग पेपर दोगे मुझे, जो कि जो जिनका भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, चाहे जो भी सब्जेक्ट का, ठीक है, आप लोग पेपर भेजोगे तो मैं पूरा पेपर जो है सॉल्व कराऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि मेरे पूरे पेपर का जो है आंसर मैंने पहले बता रखा था, ठीक है। तो ये जो बच्चे ने हमारी वीडियोज को देखा होगा, ठीक है, और अच्छे से मेहनत की तैयार किया होगा, तो उसका अच्छा नंबर आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में। मेन पेपर अभी आपका बाकी है, उसके लिए अच्छे से मैं तैयारी करा रहा हूँ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो भारत की जो पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट वीजे की जा सकती है, तो नेपाल हो जाएगा, ठीक है, नेपाल और भूटान हो जाएगा। लेकिन भूटान में भी शायद लगने लगा है, लेकिन नेपाल में कोई भी भैया पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। नेपाल के लोग हमारे यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और हम नेपाल में भी कभी आ जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो तीसरे नंबर का सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो वो आपका आ वाला विकल्प हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO इसका फुल फॉर्म है। पेपर में आएगा खासकर बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो यानी 4 नंबर क्वेश्चन का जो है आ वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी, यानी आ वाला हो जाएगा, ठीक है, कब हुई थी, 29 दिसंबर 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यहाँ पर देखिए भारत का संविधान तैयार हुआ। स्टूडेंट देखिए भारत का संविधान जो तैयार हुआ ये आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए भारत का जो संविधान तैयार हुआ 2 साल लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत का संविधान तैयार होने में, ठीक है। इसका जो प्रकार से जो तैयार बन के यानी पूरा कंप्लीट हो चुका था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, यानी 6 नंबर का सा विकल्प है। यानी अब जो संविधान सभा मनाते हैं यानी जो एक प्रकार से रिपब्लिक मनाते हैं ना, वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को एक प्रकार से पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी शुरुआत हो गया था संविधान का। लेकिन जब पूरा तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को होगा, तो 6 नंबर का सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसका भी आंसर अपने चैनल पर बताया हुआ है, जो मॉडल पेपर की वीडियोज देखते होंगे स्टूडेंट, जो हमारे न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर आता होगा ना वीडियो, उसमें मैं बताता हूँ कि पेपर में आएगा क्वेश्चन और 100% पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 7 नंबर, देखिए भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके सा वाला हो जाएंगे स्टूडेंट, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है भारत के मिल्क मैन के रूप में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चीन ने भारत पर किस वर्ष पर आक्रमण किया था स्टूडेंट? तो ये बच्चे ने जो गलत ऑप्शन दिया है जो कि दा वाला, ये 1971 में भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, किसकी आज़ादी के लिए? बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर चीन की बात हो रही तो इनमें से 1962 हो जाएगा स्टूडेंट। कब किया था भैया? 20 अक्टूबर 1962 को, 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर 1962 को भैया चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि जमीन विवाद के कारण था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ काफ़ी बार, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने ये चुनाव के समय दिया था 1971 में, ठीक है। 1971 में जो चुनाव हुआ था ना उसमें इंदिरा गांधी जी ने ये चुनाव दिया, ये नारा दिया था जो है गरीबों के लिए, कि गरीबी हटाओ का नारा भैया हमारी सरकार बनाओ हम गरीबी हटा देंगे, ठीक है। बस इतना आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 की मुख्य घटना क्या है भैया? तो वही है सोवियत संघ का विघटन, जो कि 15 जो गणराज्य थे वो टूटकर बिखर हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, फिर ठीक है उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, तुर्केमिस्तान, ठीक है, ये सारे हैं, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है और आप लोग सर्च कर लीजिए। हालाँकि ये पूछे नहीं जाते हैं कि 15 गणराज्यों का नाम लिखे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, ठीक है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, टोटल क्या है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा जब इसका आंसर आप लोग दे देंगे। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था स्टूडेंट? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन, यानी टूटकर 15 जो गणराज्य थे वो अलग अलग हो गए थे। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर इतना दे दीजिएगा, 2 नंबर आपको दे देगा, 10 शब्दों में इसका आंसर देना होगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग निर्देश में पढ़े होंगे तो आपको जानकारी पूरा पता होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के उन 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। यानी क्या बात हो रही है यहाँ पर? स्थायी सदस्य की बात हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है स्टूडेंट, 10 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। 5 अस्थायी सदस्यों का नाम आप लोग याद रखिएगा, चीन हो जाएगा पहला, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा फ्रांस, तीसरा आपका USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और चौथा आपका हो जाएगा UK यानी यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में पांचवा आपका हो जाएगा रूस, ठीक है। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो इनमें से किन्हीं 2 का पूछा गया था, इनमें से किसी 2 का नाम लिख दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम लिखिए स्टूडेंट, तो बांग्लादेश और भारत आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा, पेपर आप देख सकते हैं किस तरह से आता है द्विवार्षिक परीक्षा का, ठीक है, इसको तैयार कर लोगे तो 70% आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैं पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ। और जो वीडियो पूरा देख लेगा यहाँ पर मैं उनके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आने वाला हूँ कि मैं किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन्हीं 2 अस्थायी और 2 अस्थायी सदस्यों का नाम लिखे, तो 2 स्थायी सदस्य के नाम चीन फ्रांस रख लीजिए या रूस और जो है आप संयुक्त राज्य अमेरिका रख लीजिए, ठीक है, और 2 अस्थायी सदस्य जापान और स्विट्जरलैंड, ये 2 अस्थायी सदस्य हैं और जो 2 अस्थायी सदस्य आपका रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA,
ठीक है, दो नंबर इसमें भी आपको दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। भैया इसको भी मैंने बताया है, 30 जनवरी, देखिए 30 जनवरी, ठीक है 30 जनवरी 1948 को, ठीक है कहाँ पर, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में, ठीक है दिल्ली के बिरला हाउस में, दिल्ली के जो बिरला हाउस है ना स्टूडेंट, ठीक है दिल्ली के बिरला हाउस में वहाँ पर घुसकर नाथूराम गोडसे जो कि एक कट्टर हिंदूवादी था स्टूडेंट, ठीक है कट्टर हिंदूवादी था, ठीक है नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। कब की थी, 30 जनवरी 1948 को, कहाँ पर, दिल्ली की बिरला हाउस में, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू किया गया, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है और आप लोग भी तैयारी करते होंगे नागरिक शास्त्र का, तो कमेंट में आंसर इसका जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में हुई थी, कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताइए, तो भैया 2 विशेषताओं के बारे में बता देना है इसका आंसर, बुक में इसका आंसर मिल जाएगा और मैंने भी इसका आंसर बताया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1977 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे से लड़ा था, भैया तो लोकतंत्र बचाओ के नारे से लड़ा था ये आपका चुनाव, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के 2 कारण बताइए, ठीक है तो औद्योगिक क्रांति के आपको 2 कारण बता देना है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का कि सोवियत संघ के विघटन का 2 कारण लिखिए, तो ठीक है भैया इसमें क्या है, 2 विघटन का कारण सबसे पहला आप एक समझ लीजिए स्टूडेंट कि इसमें क्या है, एक प्रकार से सब जो घुटन होता है ना कि भैया एक कमरे में आप जब बंद रहते हो तो घुटन महसूस होती है, तो जो 15 देश थे सबसे ज़्यादा उसमें जो वर्चस्व था वो रूस का था, ठीक है तो जो उसमें 14 जो गणराज्य थे वो अपने आप को एक प्रकार से दबा महसूस करते थे, आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करते थे। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर एक ही सरकार होती थी, उसके कंपटीशन में कोई दूसरा सरकार नहीं आ सकता था कि जो चुनाव लड़कर वो जीत सके, ठीक है वहाँ पर हमेशा से एक सरकार ही बनी रहती थी, वही सारा चीज़ करती थी, तो एक ये हो गया कारण। दूसरा कारण भी आप लोग बता दीजिएगा, आंसर मैंने दिया हुआ है। मार्शल योजना क्या है इसके बारे में भी आप लोग बता दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारत नेपाल के संबंधों पर टिप्पणी लिखिए, चैप्टर 3 जो कि दक्षिण एशिया के बारे में है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का संक्षेप कीजिए, संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इन सभी का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए, ठीक है इसके विवाद में जो 2 कारण है, 2 कारण में देखिए सबसे पहला जो है 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ले लिया था, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा होगा भैया जो कि पाकिस्तान का हेल्प कर देना, पाकिस्तान का हेल्प कौन करता है, चीन करता है ना भैया, हथियार वगैरह देकर जिससे वो हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है, तो ये भी कारण हो सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में टोटल कितने 4 क्वेश्चन होते हैं और ये प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 125 से यानी 125 से 100 से लेकर यानी स्टूडेंट 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का आंसर देना है। 4 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की सफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत की विदेश नीति बनाने एवं लागू करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है इसके बारे में भी आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए इसका आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति में आया राम गया राम का तात्पर्य क्या है, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने अभी हाल ही में बताया है, जो परसों का वीडियो मैंने अपलोड किया था नागरिक शास्त्र पर, उस पर मैंने इसका आंसर बताया होगा, जो स्टूडेंट देखे होंगे वीडियो कॉन्सेप्ट उनको आता होगा। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, टोटल इसमें क्या है, हमें 2 ही प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 8 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना, अथवा लगा चाहे आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए, ठीक है
इन दोनों को कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है, कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ थी, अथवा करके भारत की विदेश नीति पर प्रमुख उद्देश्य और प्रकाश डाले, यानी जो मैंने बताया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट, इसका आंसर मैंने मॉडल पेपर की वीडियोज में पूरा सॉल्व करा दिया है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको पूरा नोटिफिकेशन वीडियो का हमारा चला जा रहा है और वो देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी और वो पेपर काफ़ी अच्छा करके आए होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का। आई होप कि आप लोगों ने पेपर को पूरा देखा हो, ठीक है, ये पेपर के बताए गए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इसका आंसर तैयार कर लीजिए, पेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हो गया तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर नहीं तो व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैं उसका पूरा सोल्यूशन कराऊँगा और आपके समक्ष लेकर कराऊंगा कि आपका कितना नंबर बना है पेपर में, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बता दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।